हरे कृष्णा, मैं भुवन सुंदरी राधा देवीदासी गोविंदास क्यूजिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कोई भी आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर के बिना टोमेटो केचप कैसे बनाते हैं वह सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लाल और पके हुए आधा किलो टमाटर लिए हैं, जो ज़्यादा जूसी नहीं होने चाहिए। अब हम टमाटर को बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। टमाटर इसीलिए ज़्यादा जूसी नहीं होने चाहिए क्योंकि जितने ज़्यादा जूसी रहेंगे हम उतना गाढ़ा टमेटो केचप नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे टमाटर काट लिए हैं। यहाँ पर मैंने जिसकी थिकनेस ज़्यादा हो ऐसा बर्तन लिया है, उसमें हम कटे हुए टमाटर डालेंगे और टमेटो केचप को एक बेहतरीन कलर देने के लिए आधा बीटरूट लिया है। आधा चम्मच नमक, आधा इंच कटा हुआ अदरक, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, तीन लौंग लेंगे, एक चौथाई कप चीनी, दो चम्मच नींबू का रस, यहाँ पर हम विनेगर का उपयोग नहीं करेंगे, अब हम इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। टमेटो केचप में इस्तेमाल की गई सारी सामग्री की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कोई भी आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं किया है। कलर के लिए हमने बीटरूट का इस्तेमाल किया है और विनेगर की जगह पर लेमन जूस यूज़ किया है। अब इसे हम ढक्कन लगाकर आधे घंटे तक पकाएंगे। 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं और हमने बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया था। ये टमाटर अपना ही एक पानी छोड़ता है, वही है। हम और 15 मिनट तक उसे पकाएंगे। आधा घंटा हो चुका है, हम चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी पूरा सूख गया है और टमाटर और बीटरूट अच्छे से पक गए हैं। अब हम स्टोव बंद कर देंगे। मैंने मिक्सचर को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसे हम 15 से 20 मिनट तक ठंडा होने देंगे। हमारा मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे अच्छे से ग्राइंड करना है। एक पेस्ट बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसके ऊपर हम छन्नी रखेंगे और वह पेस्ट को हम इसमें डालेंगे। अगर आप इस केचप को लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो इसमें पानी बिल्कुल ना मिलाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर के छिलके और बीज सब कुछ ये छन्नी में आ गया है।
अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100% प्योर इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारा टमेटो केचप रेडी है। इसे आप बॉटल में भरकर एक वीक तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। और अगर आप लेमन जूस की जगह पर विनेगर यूज़ करेंगे तो 3 हफ्ते तक आप फ्रीज में स्टोर कर सकते हो। हमारा यम्मी टमेटो केचप रेडी है। इसी टमेटो केचप से बहुत सारी भूगा रेसिपीज हम बना सकते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, पास्ता, सैंडविचेस। अगर आपको हमारी भूगा रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अगर आप भूगा रेसिपीज इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर कृष्णास क्यूजिन पर देख सकते हैं। हरे कृष्णा हरी बोल।